आज मैडम का मेकअप चालू है। अरे लड़की, अरे तो देखा मुझसे ही शर्म आ गई, जिसके लिए सही नहीं होता। सो गाइस, जैसे कि आप सबको मैं बता दूं कि हमने डांस क्लासेस स्टार्ट कर लिया और कल हमारा पहली क्लास थी और आज मैं सिखाने वाला हूँ। जो क्लास थी, क्योंकि तबीयत खराब थी प्रिया की, तो प्रिया थोड़ा सा सीख नहीं पाई, तो आज मैं उसको ट्रेनिंग, मतलब जो मुझे सिखाया था वो आज मैं प्रिया को सिखाने वाला हूँ। तो ये आ रही है मैडम। तो देखो कैसा नूर आया हुआ है चेहरे पे, लड़की कितनी सुंदर लग रही है। रिंग भी नहीं है, किसने दी भाई ये? कौन सी वाली? ये वाली, ये कच्चे मोती की। हाँ, ये मेरे पति ने दिया। तुम्हारा पति कौन है? कौन है? सहारनपुर से खरीदी थी उसने। अच्छा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो होने वाली काफी स्पेशल और काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ प्रिया के ऊपर प्रैंक। और मैं आपको बता दूं कि मेरे माइंड में क्या गया। एक्चुअली कल ही हमने डांस क्लासेस स्टार्ट किया, तो कल प्रिया की हो रही थी तबीयत खराब, जिसकी वजह से वो डांस क्लास नहीं जो मतलब उसने डांस क्लास नहीं ली। तो वो देख रही थी बट उसने कुछ किया नहीं, तो उसने बोला कि कल मैं आपसे सीख लूँगी, तब थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी शेफ भाई आ रहे हैं, रोमा भी आ रही है, उनको अभी तक कुछ प्लान का पता नहीं है। जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे बात करूँगा। एंड होगा क्या, हम डांस कर रहे होंगे और डांस करते करते मैं एक्ट करूँगा कि मैं गिर गया है कुछ भी, मैं ऐसा कोई करूँगा जिससे कि, एंड देन मैं उसको ये दिखाऊँगा कि बहुत ज़्यादा मेरे लगे हैं, मुझसे हिला नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। उसको पता है, क्योंकि आप सब जानते हो मुझे लगा भी। सो बस अभी वेट है शिव भाई का, एंड क्योंकि आप सबको भी पता है मुझे इतना डांस आता नहीं है अभी, इसलिए डांस क्लासेस भी ज्वाइन किया है। काफ़ी मज़ा आएगा, वीडियो एंड तक देखना, पूरी देखना, और लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो अभी। पर हमारी शादी को 5 महीने हो गए। तो अभी 5 महीने हुए ना कंप्लीट हमारी शादी को। 2 तारीख कहाँ है मेरा गिफ्ट? मेरा कहाँ है? मेरा तुम्हारा वॉशिंग मशीन लाते रहे हैं शिव भाई, वो गिफ्ट मेरी तरफ से जाओ। हाँ क्या बात है, तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, देखने इधर देखो, देख बार इधर देखो, चमक रही आज तो बिल्कुल ही। चलो फिर आज डांस क्लासेस भी, तो डांस भी तो सिखाने दे। मैं नहीं सीख रही। मैं क्यों, ये क्या बात है, सीखना तो पड़ेगा। शिव भाई आ रहे हैं, फिर स्टार्ट। क्या बात है, डांस आपको लगता है ना बहुत मतलब सीधी है, बहुत तेज है लड़की, देखो क्या कर रही है। याद है आज मैडम ने बनाया फ्रेंच फ्राइज। आपको ये अच्छे मुझे लगे और आपने सारे खा भी लिए, ये कैसी बात है? अच्छे ना लगे? नहीं अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तभी तो खा लिए। है एक दोस्त है। तो दोस्त का नंबर तो दिखा दो, दिखाओ। तुम्हें ट्रस्ट नहीं है? है लेकिन दिखाओ। देख रहे हो? देख रहे हो गाइस, इस बंदी ने मेरा फोन चेक किया, इसे मुझ पे ट्रस्ट नहीं था। तो आप भी मेरा फोन चेक कर दो। बस बस, मैंने कभी बात करती हूं ना तभी एकदम पूछूं कि किसका कॉल आया, किसका कॉल आया, किसका कॉल आया, पूछे चेक नहीं करता हूं। सर जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ, पहले तो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थक गए। चलो वही खड़े हो जाओ, आओ प्रैक्टिस करेंगे और क्या, थोड़ा पीछा रखो ना बॉडी का। देखो इधर देखो, पहले कैसे कैसे बता देंगे, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे करो, सही है वो थोड़ा बॉडी। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, रुक जाओ, ऐसे करके जैसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे
हाँ यहाँ पर कैसा लग रहा बाबू डांस क्लास में डांस कर स्टार्टिंग सॉन्ग स्टार्टिंग करो भाभी आगे जाओगे थोड़ा आगे रहो आप क्या हो गया मजाक कर रहे हैं नहीं सच का है सच मुझे ऐसा लगा मजाक बस खिस गया थोड़ा इसका एकदम बोल गया ना मजाक कर रहे हो या अरे सच का है सच में गिर रहे हैं हैं दिमाग इसलिए इसलिए सूस पहनना चाहिए क्या हो गया ये बहना स्लीप हो गई है आओ चलो अंदर बैठो इधर ऊपर बैठो ऊपर भैया उठा नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं भैया सच में लगी यहां बैठा दो चल 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 अरे एक मिनट बैठना सीधा सीधा बैठो ऐसे जाओ ऐसे जाओ है ना दबा दो दबा दो अच्छे से दबाओ दिखाओ मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ तेज लग गई क्या इसमें अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से नस खींच गई दर्द हो रहा है कुछ है स्प्रे वगैरह हां गोली नहीं है जल्दी लेके आओ जल्दी लेके आओ मेला मोली नहीं रुको दर्द हो रहा है यहाँ पर भी लग गया था आराम से करो ये एक्चुअली ना ये स्लाइड है देखो यहाँ पे ना ये ना स्लाइड होता है बस यही दिक्कत है इसलिए सूज पहनना जरूरी है नहीं सूज मतलब ये ना थोड़ा सा वो इस वजह से दिक्कत हो रहा है मिला भाभी कर रहे ना नहीं नहीं सच में लग गई है रुक जाओ मैं देखता हूँ मैं ना देखता हूँ रुक जाओ नस खिंच गया वो मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो मुझे भी ऐसे ही लगा पहले कि मजाक किया मुड़ के ना गिर गया ना नस चढ़ गया तो मैं उतारने आता है मुझे
मुझे आता है उतारना। सुनो तो सुनो तो फोन डाल इधर बात करो। आई स्पेक आई स्पेक हां आई स्पेक एक सेकंड हेलो हां हां वो एक्चुअली वो नहीं है वो जैसे वो जब प्रैक्टिस करते हैं ना जो अभी मैंने इनको एक्सरसाइज करा रहा था हेलो तो वो ना थोड़ी सी जो वो साइड में जैसे कॉर्नर होता है ना ऊपर जैसे ये कैसे करना तो घुटना मतलब घुटना हां थोड़ा उस पे ना वो खींच गया है। हां हां इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि डांस में ना ट्राउजर्स नहीं पहनते क्योंकि इसमें देखो ना टाइट है ये टाइट है अब वो ऐसे कर रहे होंगे ना तो इसका एक हाँ। ये फिसल गया था ना तुम्हारा अब यहाँ ऐसे करते हैं नस खींचता है आप भी अभी कर रहे हो कितना नस खींच रहा होगा देख रहे हो तो ऐसे होता है दर्द हो रहा होगा ना अरे कोई नहीं हो जाएगा टेंशन मत लो कोई नहीं दर्द है दर्द होता है टेंशन मत लो डॉक्टर के पास चलोगे भाई आप डॉक्टर के पास चले जाओ अरे कहाँ हो जाएगा इतना तो दुख रहा है ये डॉक्टर यहाँ चले जाओ रात को भी प्रॉब्लम हो फिर भैया के पास तो स्कूटर भी है अगर स्कूटर पे नहीं बैठे जा रहे तो कैब से चलो आओ चलो अब भैया उतार देंगे आपको आराम आराम से नीचे मैं ये बांध देता हूँ ये बांध दूँ सही रहेगा कहाँ हो रहा डॉक्टर के चल रहे ना अरे डॉक्टर के चलो क्या पता भैया नस नस खिंच गई है क्या हुआ डॉक्टर खुद देख लेंगे देखो इनके बहुत तेज हो रहा है तभी दुख हो रहा है इनके भैया आप डॉक्टर के चलो उधार देंगे मजाक तो नहीं कर रहा हूँ भैया नहीं यार वो रो रहा है क्यों मजाक कर रहा है टेंशन मत लो सब हो जाएगा एक घंटे में चलो ठीक है फिर मैं लेके जाता हूँ रोहित भैया को ठीक है चलो सुनो उसको बुलाओ वो आ सकता है उसका क्लास खत्म हो गया होगा कुछ नहीं हुआ वही प्रैंक था अरे अरे रोने लगा तभी तो मैं बोल रहा था अरे रो क्यों रहे हो अरे सारी भाभी उन्होंने कसम दे रखा था नहीं तो मैं बताता मैं छिपाता नहीं आपसे मैं इसलिए बार बार हंस रहा था कि भाभी आप मेरा मतलब हंसी को पढ़ लेते पर भाभी हंस नहीं रहते अरे मैं तो खुश होना चाहिए प्रैंक था
अरे देखिए मैंने बोला था ना भैया आप ऐसे मत रहा, मत क्या कर भाभी से, ये गुस्सा हो गया ना। बोला आपने झूठ बोलो। हाँ चलो और ये वो भी है ना और इसका तुमने सुनी सुना नहीं था ये ने फोन पे बात जब बात किया था सॉरी अरे भाभी सॉरी मैं खुशी नहीं मतलब अगर मेरे सच में छोड़ ले जाती हूँ शिव भैया मजाक कर रहे हैं और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ सामने देखे भाभी देख नहीं रहे थे। अब मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि भैया ने बोल रखा था बताना मैंने तो भाभी को बताया बंद कर रहा हूँ भैया कैमरा। हाँ सर मैं सोचा कहीं आप पढ़ो कैमरा ऑन भी था भाभी आपने देखा भी तो मुझे लगा अच्छा भैया भाभी को पता नहीं वैसे ही रखा होगा मेरे दिमाग ही नहीं जा रहा था। मेरी गलती थी सबसे ज्यादा नहीं आपकी वीडियो तो मेरा प्लान था। आपको पता है ऐसे छोड़ देता तुरंत अभी तुरंत को तुरंत एम्बुलेंस पे कॉल करता फटाफट लेके चल जाते भैया को। मैं फिट हो जाए ये ना फ्रेंड था ये मजाक कर रहा था पता है हम लोग पूरा घबरा गए इसके वाइफ को रोने लग गई पूरा ओरिजिनल का रो रहा था पता है उसके बाद तुम भी तो प्रैंक कर रहे थे मेरे ऊपर बर्थडे वाले दिन ये सब कैंसिल हो गए सब कैंसिल हो गए प्रैंक कर रहे थे मेरे प्रैंक बोला उन्होंने हाँ ले आते हैं तो गाइस आप बताओ कैसा लगा मेरा प्रैंक और देखो भाभी की आंखों में आंसू साफ झलक रहे हैं और ये अंकित से आंखों में आंसू और मुंह में मोमोस और अब आ रहे हैं भाभी के मुंह में पानी ये और ये मोमोस भैया उठाते हुए और भाभी को प्यार से हाथ से खिलाते हुए और भाभी मना कर रहे हैं बट भाभी का मन कर रहा है खाने के लिए और और भैया खुद खा गए। सो गाइस फाइनली प्रैंक हुआ सक्सेसफुल बट मैडम हो गई इमोशनल क्या हो गया ये बच्चे सच में लग गया बसो तो तुम्हें खुश होना चाहिए जब तुम्हें पता चला कि भाई प्रैंक था तुम रो रहे हो इधर गंदा मतलब मजाक करोगे मैं खुश तो उस बात पे तो खुश नहीं है मैं करती आपके साथ ऐसे फिर क्या करते आप मैं तुम्हें उठा भी ले जाता सबसे पहले मैं तो नहीं उठा सकती ना मैं भारी सामान सो गाइस आप बताओ कमेंट में कि कैसा लगा प्रैंक और अगर अच्छा लगा तो और वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में फैमिली में और कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बाय गाइस लव यू।